मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और इस बार मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 64th रैंक हासिल की अपने प्रथम प्रयास में, और आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी DKT के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। मैं एक रूरल बैकग्राउंड का हूँ, छात्र रहा हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12th तक हिंदी मीडियम से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी MBBS और MD की शिक्षा दोनों ही मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। मेरे IAS बनने का जो सफ़र रहा है वो कोई मेरा कोई चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था IAS बनने का, और इसके पीछे एक दिलचस्प पर्सनल इंसिडेंट था जिसने मेरी जर्नी को एक IAS की तरफ मोड़ा। और ये उस समय की बात है जब मैं MBBS के दौरान था, और उस समय मेरी माँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी बीमार रहा करती थी, और मुझे उसकी वजह से बनारस से कई बार ट्रैवल करना पड़ता था, वीकली मुझे कई बार आ जाना पड़ता था। और इसके कारण मैंने सोचा कि मैं एक बार अपने हायर ऑफिशियल पापा के हायर ऑफिशियल से मिल के उनकी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में करा दूं। लेकिन जब मैं एक अपने हायर ऑफिशियल्स के पास मैं गया था तो उनका जो बिहेवियर था काफ़ी एक तरीके से रूड था, और एक तरीके से उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। तो उसके बाद से मैंने यही सोचा कि एज ए डॉक्टर होते हुए भी जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो कैसे अंडर प्रिविलेज लोगों की बातों को हायर ऑफिशियल्स तक इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में सुना जाता होगा। और इस पर्सनल इंसिडेंट ने मुझे एक अंदर से एक मोटिवेट किया कि मैं कैसे एक अपने एक IAS बनकर मैं कैसे अंडर प्रिविलेज लोगों तक इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को उनके पास तक पहुंचा सकता हूं, ताकि उनकी भी आवाज़ ऊपर तक पहुंच सके। और इस चीज़ ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। हालांकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होने के कारण मेरे पापा और मम्मी तैयार नहीं थे कि मैं इस मेडिकल फील्ड से IAS की तरफ अपने कैरियर को स्विच करूँ, तो इसलिए मैं इस तैयारी को मैं MBBS के बाद नहीं शुरू कर सका, और इसके लिए मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ा। और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MD रेडियो डायग्नोसिस से BHU से ही कंप्लीट किया, और ये मेरी पढ़ाई मई 2018 में पूरी हुई थी। और हालांकि मेरे पास उसके बाद भी एक सेटल्ड कैरियर था, ऑलमोस्ट 5 लाख पर मंथ की एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, लेकिन एक मन में IAS बनने का जो टीस उस समय से थी वो बनी रही थी मेरे अंदर। तो ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे रास्ते में अड़चने नहीं पैदा की, और मैंने एक चीज़ अपने IAS बनने का जो सपना ठाना था उसके लिए मैं मई 2018 के बाद से ही लग गया उस चीज़ के लिए। और इसके लिए मैंने बेंगलोर को अपना सही जगह चुना, लोकेशन चुना, ताकि और इसके पीछे भी एक मन में ये चीज़ थी कि दिल्ली की जो कोचिंग्स की जो भीड़ है, लोगों की भीड़ है, उससे मैं दूर जाना चाहता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि बेंगलोर का जो सूदिंग और कोल्ड इन्वायरमेंट था जो मैं अपने लिए चाहता था कि एक अच्छी पढ़ाई को करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने बेंगलोर को अपनी पढ़ाई के लिए चुना। और वहाँ पर मैंने इनसाइट IAS के लिए ऑफलाइन गाइडेंस प्रोग्राम को चुना था, और मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है IAS के लिए। और जून 2018 में मैं वहाँ पे पहुँचा। मेरा एक बैचमेट डॉक्टर राजेंद्र राज भी मेरे साथ था, जिसने 340 रैंक हासिल की है इस बार सिविल सर्विसेज में। हम दोनों ने अपनी जर्नी एक साथ शुरुआत की बैंगलोर से। शुरुआत में काफ़ी चीज़ें हमारे लिए नई थी, क्योंकि एज अ मेडिकल बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में पता नहीं रहती थी। इसलिए शुरुआती दौर में तो कोचिंग ने कुछ सहायता की, कुछ गाइडेंस दिया कि कैसे आपको अप्रोच करना है चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगी जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को एनालाइज़ किया और चीज़ों को देखा, तो ये चीज़ समझ में आई कि सिविल सर्विसेज की जो डिमांड है वो ज़्यादा सेल्फ स्टडी ओरिएंटेड है, ना कि बहुत ज़्यादा कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग पर रिलाई होकर इस चीज़ की तैयारी की जा सके। इसलिए जल्दी ही हम लोग का कोचिंग से मन हटने लगा, और उसके बाद सेल्फ स्टडी की तरफ हम लोग रुख करने लगे। इसी बीच कोचिंग्स में ऐसी चीज़ें हुई कि कोचिंग्स के टीचर्स वहाँ से हट के अपनी कोचिंग शुरू किया, तो उस ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद से हमने अपनी प्रिपरेशन को सेल्फ स्टडी मोड में चेंज किया। और ये सेल्फ स्टडी जो शुरुआत हुई वो दीपावली ऑनवर्ड्स हमने सेल्फ स्टडी मोड में पूरी तरीके से आ चुके थे। दीपावली 2018 के बाद से मैंने अपनी
पढ़ाई पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी मोड में कन्वर्ट कर दी थी और सारी स्ट्रेटजीज को मैंने अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया कि मेरी क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीकनेसेस हैं, उसके हिसाब से मैंने अपने पूरी प्रिपरेशंस को स्ट्रेटजाइज किया। उसके लिए मैंने अपने सारे मेंस के जो भी 5 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे, यूपीएससी सिलेबस था, उनको डाउनलोड किया अच्छे से और उनके ईच एंड एवरी टॉपिक्स को, मेंस के टॉपिक्स को मैंने माइक्रो एनालाइज किया, डिफरेंट डायमेंशंस देखे। ऑनलाइन मटेरियल्स का भी मैंने, कोचिंग मटेरियल्स का भी सहारा लिया, गवर्नमेंट रिसोर्सेज लाइक PIB और अदर कोचिंग मटेरियल्स का मैंने पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पे ही मैंने उनको एनालाइज करना चालू किया। जब सारे टॉपिक्स पे मैंने अपना एक रिसर्च कर लिया कि हाँ इस किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, उसके बाद से मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाने शुरू किए और मैंने ऑलमोस्ट GS 1, 2, 3, 4 प्लस ऑप्शनल सबके एक नोटबुक्स खरीदे और उनका टाइम वाइज से और सेक्शन वाइज मैंने अपने नोट्स बनाने चालू किए। GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 सभी का मैंने एक डिटेल नोट्स तैयार किया डिफरेंट डायमेंशंस में और उस हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट नवंबर से मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की नोट्स की, ऑलमोस्ट फेब 2019 तक मैंने अपने नोट्स कंप्लीट किए मेंस के प्रिपरेशन के हिसाब से, ताकि मैं फेब ऑनवर्ड्स पूरी तरीके से अपने प्रिपरेशन को प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर सकूँ। फेब्रवरी 2019 के बाद मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन प्रीलिम्स को लिए एक्सक्लूसिवली डिवोट किया, जिसमें मैंने अपनी शुरुआत MCQ के साथ की कि डिफरेंट करंट अफेयर्स को मैंने मंथली जो कंपाइलेशंस आते हैं डिफरेंट कोचिंग्स के, जैसे इनसाइट्स के, फोरम IS के, तो उन मंथली कंपाइलेशंस के बेसिस पे मैंने करंट अफेयर्स को स्ट्रेटजाइज करना शुरू किया। उसके बाद दृष्टि के कुछ स्पेशल प्रीलिम्स के करंट अफेयर मॉड्यूल्स आते हैं, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बहुत शॉर्ट नोट्स, 30-30 पेजेस के डिफरेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसको मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। तो इस तरह से कम समय में मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। हालांकि मैं इस बीच में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर सका था, क्योंकि मेरे पास समय की काफ़ी कमी थी, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही अपनी प्रिपरेशन के लिए कुछ समय निकाल के मॉडल क्वेश्चंस प्रिपेयर किया करता था और इसमें मैंने विजन टेस्ट सीरीज का हेल्प लिया, जो कि मैं उसके टेस्ट सीरीज के को ला के घर पर ही सॉल्व किया करता था। और इस तरह से मैंने अप्रैल ऑनवर्ड्स तक मैंने अपने प्रीलिम्स की तैयारी को लगभग पूरी कर ली थी। अप्रैल ऑनवर्ड्स जब जून में 2 जून को प्रीलिम्स था, उसके पहले मैंने सोचा कि कुछ मॉक्स देने के लिए, ताकि UPSC सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में मैं कुछ अपने आप को गॉज कर सकूँ कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक है। तो मैंने वहाँ पे लॉ एक्सीलेंस के 4 फाइनल मॉड्यूल्स ज्वाइन किए, जिसमें कि सेम UPSC इन्वायरमेंट में प्रिपरेशन एग्ज़ाम देने थे। तो फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ें मेरे साथ हुई कि GS में तो मैंने 110 से 115 तक स्कोर कर रहा था, लेकिन दो इनिशियल टेस्ट में मैं CSAT में एक तरीके से फेल कर गया, जो कि एक मेरे लिए एक मेजर सेटबैक था। उसके बाद कुछ अंदर मैं अंडर कॉन्फिडेंट हुआ कि जब GS तो क्लियर हो रहा है, लेकिन CSAT तक में मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और लास्ट मंथ में मैंने ऑलमोस्ट प्रीवियस 15 ईयर्स के CSAT के क्वेश्चंस के लिए मैं डेली ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स डिवोट करने लगा। हालांकि मैंने काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया अपने CSAT को स्कोर्स को और इनिशियल जो 2 टेस्ट फाइनल बचे हुए थे उसमें मैं ऑलमोस्ट 100+ मार्क्स CSAT में आने लगे, तो मैं कुछ कॉन्फिडेंट हुआ कि मैं CSAT भी क्लियर कर सकता हूँ। और मैं अपने फ्रेंड्स को बताना यही चाहूँगा कि CSAT को इग्नोर ना करें। CSAT में काफ़ी बच्चे जो है वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं और उसके कारण उनका प्रीलिम्स में GS में अच्छे स्कोर होने के बावजूद वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए CSAT को इग्नोर ना करें। हालांकि उसके बाद प्रीलिम्स जैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद भी मैंने 88 क्वेश्चन उस समय अटेम्प्ट किए थे, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, काफ़ी डर था अंदर से प्रीलिम्स को लेकर कि मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन हालांकि मैं जब अपने रूम पे पहुंचा, क्वेश्चंस डिफरेंट की से मैंने मिलाए, तो मेरे ऑलमोस्ट 110 से 115 तक आ रहे थे, तो मैं काफ़ी रिलैक्स हुआ कि हाँ अब प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। तो उसके बाद मैंने 1 वीक का गैप लिया अपने प्रिपरेशन के
और घर आया। उसके बाद जब दोबारा मैं बैंगलोर लौटा तो पूरी तरीके से अपना टाइम मेंस के लिए डिवोट किया, और इसके लिए मैंने शुरुआत अपने ऑप्शनल से की और एथिक्स पेपर और एस ए पे फोकस करना चालू किया। और इनिशियल 10 डेज में मैंने अपने ऑप्शनल को एक बार रिवाइज कर लिया था और एथिक्स ऑलमोस्ट 60-70% मैंने कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने इनसाइट मेंस सीरीज को फॉलो किया और उसी के शेड्यूल के हिसाब से मैंने आंसर्स लिखने चालू किए। हालांकि मैंने इसके पहले आंसर्स बहुत कम लिखे हुए थे, इसीलिए मैंने अपने मेंस के मेंस टेस्ट सीरीज को काफ़ी सीरियसली लिया और ऑलमोस्ट 20-22 टेस्ट को एसए के साथ में मैंने पूरे मेंस के फाइनल एग्ज़ाम्स के पहले तक मैंने पूरी तरीके से अच्छे से डेडिकेटली लिखा उसको, और इसका फ़ायदा मुझे मिला। हालाँकि इस दौरान भी मेरा चैलेंजेस कम नहीं थे। जीएस के पेपर्स में मैं क्वेश्चंस कंप्लीट कर ना कर पाना एक मेरे लिए काफ़ी एक हर्डल था। मैं ऑलमोस्ट 20 में 18 क्वेश्चंस तक ही अच्छे से लिख पाता था और 2 क्वेश्चंस मेरे ऐसे रहते थे जिसपे मैं काफ़ी रफली अनप्लान वे में ही आंसर पूरा हो पाता था। तो ये मेरे लिए मेजर हर्डल था अपने मेंस के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत उस चीज़ के लिए नहीं हारी थी और उस पर लगातार इम्प्रूवमेंट के लिए मैं प्रयास करता रहा और मेंस तक, और फाइनल मेंस में मैंने फॉर्चुनेटली कोई भी क्वेश्चंस मैंने रफ वे में नहीं लिखा और ऑलमोस्ट अच्छे वे में सारे क्वेश्चंस को पूरे किए। फिर जब फाइनल मेरा मेंस का एग्ज़ाम शुरू हुआ तो उस समय जब फर्स्ट पेपर था एसए, जिसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था एसए के लिए, और जब वो पहला पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हुआ एसए और ये मेरा मोरल काफ़ी बूस्ट किया, उसके बाद मैंने अपना 100% हर पेपर के लिए डेडिकेट करना चालू किया। फाइनल मेंस में मेरा पेपर जब एसए से शुरू हुआ, एसए में मैं कॉन्फिडेंट था और एसए का पेपर जब मेरा अच्छा गया तो ये मेरे लिए एक बूस्टअप था और एक चीज़ के लिए प्रेरित किया कि कैसे मैं हर पेपर को अपना 100% देकर अपना बेस्ट दे सकूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था। मैं पहले से ही सोच चुका था कि इसी बार मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और उसके बाद के अगर नहीं भी होता है तो उसके बाद मैं अपने मेडिकल स्ट्रीम को ही ऑप्ट करूँगा। इसलिए मैंने इस बार 100% देने की कोशिश की और हर पेपर को मैं काफ़ी सीरियसली दिया और एक एक सेकेंड एग्ज़ाम का मैंने अच्छे से लिखा का, जहाँ पे भी मुझे अच्छे इंट्रोडक्शंस की ज़रूरत थी, फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत थी, मैप्स की ज़रूरत थी, मैंने अपने हर क्वेश्चंस में टाइम मैनेजमेंट के साथ मैंने इंसर्ट करने की कोशिश की। GS1 पेपर में मैंने काफ़ी इंडिया के मैप्स और वर्ल्ड मैप्स प्लस फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया। इवन GS3 इकोनॉमिक्स के सेक्शंस में मैंने मैपिंग का सहारा लिया और कई डायग्राम्स का सहारा लिया, जिसका काफ़ी फ़ायदा मुझे मिला होगा जैसा कि मेरा रैंक 64 आया उस हिसाब से। एक क्रूशियल फेज जो आता है वो होता है कि जो 5 दिन का गैप मिलता है हमारा GS और ऑप्शनल के बीच में, और कई बच्चे उस पीरियड को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि उस 5 दिन का जो पीरियड है उसको काफ़ी सीरियसली अपने ऑप्शनल्स के लिए यूटिलाइज। एक क्रूशियल जो पीरियड होता है हमारा GS पेपर्स और ऑप्शनल पेपर्स के बीच में, जो 5 दिन का गैप मिलता है, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है जिसमें हम अपने ऑप्शनल को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू रिविज़न, और काफ़ी बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं इस पार्ट को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस 5 दिन के पीरियड को अपने ऑप्शनल्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से डिवोट करें, ईच एंड एवरी सेकेंड्स को आप यूटिलाइज करें कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑप्शनल को आप रिवाइज कर सके। मैंने भी अपने इस 5 दिन को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया। एज अ मेडिकल साइंस ऑप्शनल काफ़ी वास्ट है, काफ़ी लेंदी है और काफ़ी वोलेटाइल है, तो इसका नुकसान मेडिकल साइंस ऑप्शनल वालों को होता है, और इसलिए इन 5 दिन के पीरियड को आप अच्छे से यूटिलाइज करें। मैं अपना ऑप्शनल लास्ट के जब लैंग्वेज पेपर्स के बीच का जो गैप मिलता था, इवन उस समय मैंने अपने ऑप्शनल्स को रिवाइज़ किया था और अच्छे से अपने ऑप्शनल के लिए टाइम को डिवोट करते हुए अपने स्कोर्स को इम्प्रूव किया था। मेंस का पेपर होने के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, अच्छे से मैंने सारे मैप्स फ्लो चार्ट और चीज़ों को इंसर्ट किया था, तो काफ़ी मैं कॉन्फिडेंट था अपने मेंस के लिए। इसलिए मैं वापस होम टाउन लौट आया था गोरखपुर, और यहाँ पे मैंने लखनऊ में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एज ए सीनियर रेजिडेंट मैंने जॉब ज्वाइन किया था। फिर जब 14 जैन को इंटरव्यू के लिए मैं सेलेक्ट हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने अपना ध्यान दिल्ली की तरफ किया कि मैं कुछ मॉक इंटरव्यूज को दे सकूँ। उसके लिए मैं दिल्ली आया
जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, कुछ दिनों बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल जब डिक्लेयर हुआ तो मेरे पास मेरा डेट जो था इंटरव्यू का वो सेकेंड डे ही 18th को पड़ गया, जिसके बाद मेरे पास काफ़ी कम समय बचे थे, ऑलमोस्ट 25-30 डेज मेरे पास केवल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बचे थे। और चूंकि मैं पहले तैयारी कर नहीं पाया था इंटरव्यू के लिए, तो फिर मैंने अपना सेल्फ स्टडी मोड में आ गया था इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने एक नोटबुक ख़रीदा और इंटरव्यू के लिए सेग्रीगेट किया सारे टॉपिक्स को, जो इतने भी कंटेम्प्रेरी इशूज़ थे डिफरेंट, उनको मैंने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, जैसे पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, प्लस डैम बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैंने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में उनको सेग्रीगेट किया, क्या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस हिसाब से मैंने उनको सेग्रीगेट किया। और उस पर मैंने 20-25 दिन काफ़ी अच्छे से 10-12 घंटे मैंने डेली डिवोट किया उन सब चीज़ों पर, और एक ओपिनियन बेस्ड मैंने अपने क्वेश्चंस तैयार किए और उसी को मैंने 2-3 बार रिवाइज़ किया था। उस समय मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स का भी सहारा लिया डिफरेंट कंटेम्प्रेरी सोशल और करंट अफेयर्स के लिए। और मेरा जब 18th को इंटरव्यू हॉल में मैं गया तो आफ्टरनून सेशन में मेरा पहला ही नंबर था इंटरव्यू के लिए, तो भी एक डर था कि पहली बार जा रहे हैं और फर्स्ट कैंडिडेट मैं हूँ उस इंटरव्यू के लिए। बट फिर भी मैंने यही सोचा, उस समय भी यही सोचा कि अपना 100% यहाँ पे मुझे दोबारा दिखाना है। और मेरा सुजाता मैम का बोर्ड था और बोर्ड काफ़ी कार्डियल था, जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, काफ़ी रिलैक्स वे में पूरा इंटरव्यू हुआ, कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, काफ़ी ओपिनियन बेस्ड और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे मेरे लिए कि क्या आप कर सकते हैं, क्या इस इशू पर आपके ओपिनियन है। तो इस तरह से काफ़ी कार्डियल वे में इंटरव्यू गया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक एवरेज स्कोर तो मिल ही जाएगा मुझे इस इंटरव्यू में। इस तरह से मेरा इंटरव्यू सेशन भी ऑलमोस्ट अच्छे से निकल चुका था। तो लास्ट में मैं कुछ जो मिथ्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड उनको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि पहला मिथ है कि हिंदी मीडियम छात्रों के लिए कितना मुश्किल होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंग्लिश कोई बाध्यता नहीं है यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्लियर करने के लिए। हालांकि मेरा मीडियम शुरुआत से ही हिंदी मीडियम रहा है, लेकिन मैंने अपना एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दिया था। तो आप अगर ठीक ठाक इंग्लिश जानते हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्लियर कर सकते हैं। इवन इन द पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी टेस्ट ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है आपकी हिंदी मीडियम, इसलिए आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना रहें अपने हिंदी माध्यम के लिए। दूसरा जो मिथ है वो है कि एनसीईआरटी को लेकर कि क्या 6th-12th एनसीईआरटी करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा अप्रोच था कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, केवल मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 2-3 बुक्स एनसीईआरटी की पढ़ी थी, जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी का सहारा लिया था और हिस्ट्री में कुछ एनसीईआरटीज मैंने पढ़ी थी, इसके अलावा मैंने कोई भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी सिलेबस को ध्यान में रखें, यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से आप कहीं से भी कंटेंट को इकट्ठा करें, उससे रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप कहीं और रिसोर्सेज का भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसलिए सोल मैंडेटरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी पे होल हार्टेडली रिलाई करें। थर्ड चीज़ ये होती है कि न्यूज़पेपर के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि इवन मेनली कई स्टूडेंट्स जो हैं अपना टाइम द हिंदू में या द इंडियन एक्सप्रेस में वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि 2-3 घंटे अपना टाइम डिवोट करेंगे। मैंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, मैं अपना करंट अफेयर ऑनलाइन तरीके से रेट्रोस्पेक्टिवली कवर करता था कि कोई इशू जो काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, जो कोचिंग मटेरियल्स में काफ़ी टाइम डे टू डे आ रहे हैं, उसको मैं रिट्रोस्पेक्टिवली ऑनलाइन सर्च करके मैं पढ़ा करता था। मेरा डेली न्यूज़पेपर बेस्ड कोई भी मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आप यूपीएससी सिलेबस को ध्यान में रखें, कोर इशूज़ पे फोकस करें, रादर देन कि आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, डेली उनके नोट्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि कोचिंग मटेरियल्स आ जाते हैं, इसलिए अलग से नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है करंट अफेयर्स के लिए। तीसरी जो चीज़ें हैं कि ऑफलाइन कोचिंग्स का क्या रोल रहता है यूपीएससी के लिए। अगर हम 2-3 साल के मेंस के पेपर्स को और प्री के पेपर्स को एनालाइज करें तो हम ये ज़रूर पाएंगे कि कोचिंग्स का रोल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है
और सेल्फ स्टडी का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। करंट अफेयर्स अगर इस साल का ही प्रीलिम्स का हम देख लें और पिछले साल का पेपर देखें तो लेसर नंबर ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चन रह रहे हैं और ज़्यादा फोकस यूपीएससी का कोर इशूज पे स्टैटिक कंसेप्ट पे रह रहा है। इसलिए आप अपना 60% टाइम स्टैटिक पार्ट पे जरूर दें और 40% आप करंट अफेयर पे दें। उसके लिए आप हाफ एन आवर किसी भी पेपर को दें मैक्सिमम, जिसमें आप इशूज़ को देखें कि क्या इशूज़ आपके डे टू डे लाइफ में चल रहे हैं यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से, और उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल ना पढ़ें क्योंकि कोचिंग मटेरियल्स ऐसे आते हैं कि वो उन इशूज़ को काफ़ी डिटेल में कवर किए रहते हैं। आप वहाँ से उन पर हाईलाइट करके अपने नोट्स बना सकते हैं रादर देन कि डेली डे टू डे आप नोट्स मेकिंग करें। इसलिए आप स्टैटिक पार्ट्स को अच्छे से कवर करें, सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, कम से कम आप ऑफलाइन कोचिंग्स में टाइम ना वेस्ट करें, ये कहने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है कि आप कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस थ्रू आउट द यूपीएससी जर्नी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अप्स एंड डाउन्स चैलेंजेस ये यूपीएससी की थ्रू आउट जर्नी में हमेशा आते रहते हैं, चाहे वो कोई भी नॉर्मल कैंडिडेट हो चाहे वो टॉपर्स हो, सभी के उस जर्नी में हमेशा एक चैलेंजेस आते रहते हैं उसके वीकनेसेज और इसके स्ट्रांग पॉइंट के हिसाब से। मेरे भी पूरे थ्रू आउट जर्नी में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस थे, चाहे वो प्रीलिम्स रहा हो जो कि मेरे लिए सबसे मेजर हर्डल था क्लियर करना, सेकंड सीसेट भी मेरे लिए क्लियर करना कुछ दिनों के लिए काफ़ी परेशान किया, उसके बाद चाहे मेंस हो जिसमें क्वेश्चंस कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस आती रहती हैं, तो इसको सभी को अपने वे में डील करना ज़रूरी है। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें कहूँगा कि जब भी ऐसे कंडीशंस आए, जब आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप चीज़ों को गिवअप ना करें, आप उसके लिए थॉरोली उस पर वर्क करें। आपको अपने वीक कंडीशंस को एनालाइज करना है कि आप कहाँ पीछे हो रहे हैं, कहाँ क्या चीज़ें गड़बड़ी हो रही है, आप उस पर थॉरोली वर्कआउट करें। बहुत ज़्यादा लो फील करें तो आप अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स उनका सहारा ले सकते हैं, आप मेडिटेशन और योगा इन सब चीज़ों का भी सहारा लेके अपने ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशंस काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए ही होती हैं और उन फेजेस को हमें काफ़ी डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस के साथ उनको क्रॉस करना होता है। तो मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी को एक जर्नी की तरह लें और सारे चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल करें, उसमें अपने पेरेंट्स का क्लोज रिलेटिव्स का पूरा सहायता लें और अपने सारे वीक पॉइंट्स को एनालाइज करके उसको अपना एक मजबूत कड़ी बनाए, क्योंकि एक यूपीएससी को क्लियर करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन योर वीकेस्ट मोमेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो आपको इस चीज़ को याद रखते हुए आपको इस पूरे जर्नी को क्रॉस करना है। एक एस्पेक्ट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का, वो है कि नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का और ये मेरे लिए खासकर काफ़ी मददगार साबित हुआ था। मैंने अपने सारे GS 1-4 प्लस ऑप्शनल सभी के लिए, मैंने इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी मैंने अपने सेल्फ नोट्स तैयार किए थे, और इसका मेन जो फ़ायदा होता है वो एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट्स पे होते हैं, जब आपको ह्यूज सिलेबस आपको बहुत कम समय में रिवाइज करना होता है, तो उस समय ये खासकर ये सारे नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपको बहुत कम समय में आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि सभी लोग एटलीस्ट सब यूपीएससी के सभी ईच एंड एवरी टॉपिक्स के कुछ ना कुछ एक या दो पेज या उससे ज़्यादा भी कुछ अपने डिटेल नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके खुद के हैंडराइटिंग में हो, जिसे आप कम समय में काफ़ी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने अपने सारे नोट्स मेकिंग नवंबर 2018 के बाद से शुरू किए थे बनाने, और इसके लिए मैं जनरली 2 या 3 रीडिंग के बाद ही अपने नोट्स को प्रिपेयर करता था। उसके लिए मैंने यूपीएससी सिलेबस को डाउनलोड करके सारे टॉपिक्स को माइक्रो एनालाइज किया और उस पर कितने डायमेंशंस एक टॉपिक्स पे हो सकते हैं उस हिसाब से मैंने सारे डायमेंशंस को एक रफ पेजेस पे नोट करता था। फिर उसके बाद मैं डिफरेंट रिसोर्सेज से उस पर मैं एक क्वेश्चंस वाइज मैं अपने नोट्स क्रिएट करता था और कुछ एक दो पेजेस मैं छोड़ दिया करता था कि इन द फ्यूचर अगर कोई करंट अफेयर उससे रिलेटेड
न्यूज़ में आता है तो मैं उसे सेक्शन वाइज मैं उसको अपडेट कर सकूँ। इस तरह से मैंने सारे GS1 से लेकर GS4 तक मैंने सिलेबस के टॉपिक वाइज अपने नोट्स क्रिएट किए थे, और इसका फ़ायदा मुझे लास्ट के अपने मेंस के टाइम पे भी, प्लस इंटरव्यू में भी मैंने जो नोट्स बनाए थे उसको मैंने इंटरव्यू के टाइम पे भी काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेरे लिए, कि मैं काफ़ी कम समय में उन चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर सकता अपने मेंस के आंसर कॉपीज में, प्लस इंटरव्यूज के टाइम पे भी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि UPSC कोई एक आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। मैंने भी इसे अपना एक फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट मान के ही मैंने इसे प्रिपरेशन किया, और यही करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसे अपना फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट नहीं मानेंगे आप अपना 100% इसमें डिवोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए UPSC की जर्नी को एक हैप्पी जर्नी की तरह से आप लें, उसके हर डेज को कंसिस्टेंटली यूटिलाइज करें, आप अपने ट्रैक से ना हट के जो भी लो मोमेंट्स आते हैं उसका डट के सामना करें। उस तरह से आप UPSC जर्नी को काफ़ी, चूँकि ये काफ़ी लंबी जर्नी होती है, कम से कम 1.5 ईयर्स, और इस बार तो कोविड के कारण ये 2 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो गया है, तो इसलिए एक स्ट्रांग मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैं लास्ट में यही टिप्स देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आप UPSC सिलेबस पर रिलाई करें, उन्हीं को आप अच्छे से देखें, और उसी के सराउंडिंग अपने नोट्स और अपने प्रिपरेशन को लिमिटेड रखें। दूसरी चीज़ आती है कि आपकी क्या कंसिस्टेंसी है, आप हर दिन आप अपने यूटिलाइज करें। कम से कम मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि मैं ऑलमोस्ट 10 to 12 hours डिवोट करता था अपने डेली के प्रिपरेशन के लिए, और बहुत ही कम समय ऐसे आए होंगे कि मैं अपने इस डिसिप्लिन वे में मैंने अपने इस डेली रूटीन को ना फॉलो किया हो। तो UPSC सिलेबस और टाइम टेबल अपना फिक्स रखें, प्लस अंदर से अपना इनर मोटिवेशन कि आप UPSC सिविल सर्विसेज क्यों क्रैक करना चाहते हैं, एक इनर मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए। जब तक वो अंदर से नहीं आएगी आप उसके लिए अपना 100% वर्क नहीं करेंगे। तो सिलेबस, इनर मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क, ये आप बना के रखें थ्रू आउट द UPSC जर्नी, अपने आप सफलता आपके पास आ जाएगी।